गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लेटेस्ट वाला एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू स्टार्स अपीयर वेरी स्मॉल टू अस। स्टार्स बेटा हमें छोटे दिखाई क्यों देते हैं साइज के अंदर? तो उसका मेन रीज़न क्या होता है? स्टार्स अपीयर वेरी स्मॉल टू अस बिकॉज दे आर फार वेरी फार अवे। क्योंकि जो स्टार्स होते हैं बेटा, वो उनका जो हमारी अर्थ से डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उन वो हमसे क्या है बेटा, फार। फार का मतलब होता है दूर, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। इस वजह से हमें स्टार्स क्या अपीयर होते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सेकेंड बेटा, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें जो स्टेटमेंट ट्रू है बेटा उसके साथ टी लिखना है और जो फॉल्स है उसके आगे एफ लिखना है। पहली स्टेटमेंट है बेटा, वी कैन सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे। हमें बेटा तारे दिन में भी दिखाई देते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स, गलत है। स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट। जो तारे बेटा वो रात को बहुत तेज़ी से चमकते, ब्राइटली यानी कि बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है बेटा, स्टार्स आर वेरी स्मॉल। जो तारे होते हैं बेटा वो बहुत छोटे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। जो स्टार्स होते हैं बेटा उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। कुछ तो स्टार्स ऐसे बेटा जिनका साइज़ हमारी अर्थ से भी बड़ा है, बट उनका अर्थ से डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से हमें स्मॉल दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म डिफरेंट शेप इन द स्काई। जो तारों का बेटा ग्रुप होता है, स्टार्स का जो ग्रुप होता है वो अलग अलग क्या बनाता है बेटा, शेप बनाता है आकाश के अंदर, स्काई के अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। यहाँ पे आप टी लिखोगे, ठीक है। तो ये आपकी लेटेस्ट एक्सरसाइज है, इसे आपको आपके फेयर नोटबुक में राइट भी करना है, लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।